Hello students, we were doing our chapter chemical reactions and equations and पीछे जो हमने characteristics की थी last video में of chemical reactions and in this video as I said we will do balancing of the equations. So one of the main and one of the important part of the chemical equations that is the balancing of the chemical equation. So let us write our topic. Chemical equations. Now, what is balancing of chemical equation and why we need to do this? पहले अब ये दोनों चीजें देखेंगे. So balancing means कि अगर मैं कहूँ, suppose I have iron sulfate plus yeah, I'll say I have copper sulfate plus iron. That will give me iron sulfate plus copper. ठीक है, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में. तो अगर यहाँ पे मैं देखूं कि जितने एलिमेंट्स मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, उतने ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी होने चाहिए. राइट, कि अगर मैं देखूं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ आई से कॉपर इज वन, सल्फर इज वन, ऑक्सीजन is 4 and iron is 1. Fine. Now let's see on the right hand side that iron is 1, sulfur 1, oxygen 4 and copper 1. You can check it out. जितने elements right hand side पे हैं, उतने ही elements मेरे left hand side पे भी हैं. That means जितने reactant हैं, उतने ही product हैं. ठीक है, ऐसा नहीं हुआ इसमें कि कोई एक्स्ट्रा चीज बाहर से आ गई. फाइन, ऐसा नहीं हुआ कोई चीज बाहर चली गई. मींस जितने सिस्टम को मैं स्टडी कर रहा हूँ, सिस्टम मींस जितने केमिकल रिएक्शन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो सारे एलिमेंट्स जितने रिएक्टेंट्स की साइड थे उतने ही प्रोडक्ट की साइड में आ गए. कोई भी ऐसा नहीं हुआ गायब हो गया या एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ दी chemical equation that the number of elements, let me write, number of elements on reactant side must be equal to number of elements or compounds or molecules on product side. Fine. So this is the balancing of equations. Now, why do we need this? Why do we need to balance the chemical reactions? So always, science is what? Science says everything के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाओ कि हम जो चीज अभी तो चलो साइंटिस्ट ही सारा कर चुके हैं ना, बट हर चीज अभी भी अगर मेरे लिए तो नहीं है. फाइन, तो अगर मैं कोई नई चीज सीख रहा हूं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओ कि ऐसा क्यों. सो व्हाई वी नीड टू बैलेंस, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मास. इवन लास्ट ईयर इन फिजिक्स तुमने पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी एंड वर्क चैप्टर में है ना, वर्क एनर्जी चैप्टर में. सो मास जो है हमारा कंजर्व्ड रहता है. कंजर्व्ड मींस कि जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी होगा. एंड इफ आई से हियर इफ आई हैव वन एलिमेंट या जितना भी इसका मास है, ठीक है, एटॉमिक मास है, तो उतना मेरे पास कॉपर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उतना कॉपर मेरे पास राइट पे भी होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मेरे पास यहाँ जो सल्फर है, ठीक, ऑक्सीजन है, तो जितने ये एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है उतने राइट हैंड साइड भी होने चाहिए. फाइन, तो बस यही मेन रीजन है दैट वी बैलेंस द इक्वेशंस. ठीक है, तो व्हाई वी नीड टू बैलेंस इट, टू
conserve the mass. Okay, such that mass on the left hand side must be equal to the mass on the right hand side. Okay, so this is why we need to balance it. Fine, I hope समझ आ गई. Now आगे अगर हम देखें कि इसको बैलेंस करेंगे कैसे हम, सो बैलेंसिंग का वे क्या है हमारा, बस ऐसे देखना हमने जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने राइट हैंड साइड में. बट एक चीज मैं और सिखाऊंगा जो तुम नाइन्थ में करके आए हो हिस्ट्री में, कि इसमें मुझे कैसे पता ये कॉपर सल्फेट की है, दैट मींस सीयू का एक एलिमेंट और SO4 का एक एलिमेंट की है. फाइन, यहाँ पे आयरन का एक ही है और सल्फेट का एक ही है. अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कोई और लेता कि अगर सपोज मेरे पास NaCl होता यहाँ, ठीक है, कि NaCl किसी के साथ रिएक्ट करता लेट कॉपर के साथ, देन कॉपर क्लोराइड प्लस सोडियम हो जाता, ठीक है. तो इफ यू कैन सी क्लोरीन दो आ गए, यहाँ पे क्लोरीन एक ही था, है ना. तो यहाँ Na एक है, Cl एक है, यहाँ कॉपर एक है, क्लोरीन दो है, ऐसा क्यों? तो ये तुम नाइन्थ में करके आए हो दैट दीज गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन सो दैट टू बिकम स्टेबल, ठीक है. तो वही कुछ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जो तुम नाइन्थ में करके आए हो, दैट इज very first, these give electron to become cation. ठीक है, cation कौन होते हैं? Positive ions. Fine. So यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? Monovalent cation. Mono means one. Valent means valency. Cation means जिसने एक electron दे दिया. ठीक है? तो जिसकी valency one थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था उसमें, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया और स्टेबल हो गया. फाइन, फॉर एग्जांपल आई हैव लिथियम, या लेट अस स्टार्ट विद द बिगनिंग, आई हैव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन वो दे दे, नेगेटिव चीज दे देगा तो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां प्लस आ जाएगा. फाइन, ऐसे ही लिथियम कॉन्फिगरेशन याद है ना, जैसे लिथियम उससे इजीली क्लियर हो जाता है कि इसकी वैलेंसी क्या आएगी. लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो उसके कारण मेरी कॉन्फिगरेशन क्या आएगी? 2-1. ओके, सो फर्स्ट शेल हैज कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे 8 और इसमें सिर्फ एक है, हेंस ये एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा, लिथियम पॉजिटिव. ओके, ऐसे ही सोडियम पॉजिटिव. ठीक है, सोडियम का तुम खुद देख सकते हो 11 एटॉमिक नंबर है, 2-8-1, तो ये भी 1 दे देगा. ऐसे ही पोटेशियम हो गया, ठीक, पोटेशियम पॉजिटिव एंड सिल्वर पॉजिटिव. फाइन, so these are the atoms which can give the electron to become the monovalent cation. ठीक है, ऐसे एक और यहाँ पे आएगा, which is not an element, ammonium. ठीक है, ammonium cation या ion. so NH4 positive, जबकि ammonia क्या होता है? we do it, ammonia is NH3. ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दूं, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो जाता है कि ये अनबैलेंस हो जाता है. इसमें तुम आगे बड़ी क्लासेस में देखोगे कि लोन पेयर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके कारण इस पे NH4 पॉजिटिव आ जाता है. ठीक है, तो दीज आर सम मोनो वैलेंट कैटायन, इसको साफ साफ लिख लो, दैट हाइड्रोजन पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव एंड सोडियम पॉजिटिव, देन पोटेशियम पॉजिटिव,
सिल्वर पॉजिटिव एंड अमोनियम पॉजिटिव, ठीक है, एनएच4 पॉजिटिव, फाइन। देन ये तो सारे वन पॉजिटिव वाले हुए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर वन चार्ज है, देन डायवेलेंट के टाइम तो डायवेलेंट के टाइम होंगे हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे, ठीक है, डाय मींस टू एंड कैटायन मींस दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। सो स्टार्टिंग विद द बेरिलियम टू पॉजिटिव, ठीक है, देन ऐसे ही मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, ओके, कैल्शियम टू पॉजिटिव, ऐसे ही तुम्हारा और जो यूज होगा इस चैप्टर में ये याद रखना है, लेड टू पॉजिटिव है, बेरियम टू पॉजिटिव है, ओके, ऐसे ही आयरन टू पॉजिटिव है, आयरन कैन हैव डिफरेंट वैलेंसीज, ठीक है, इसकी अलग अलग आयंस हो सकते हैं, अलग अलग वैलेंसीज हो सकती हैं, सो हियर आई कैन राइट आयरन टू पॉजिटिव विच इज कॉल्ड फेरस आयन, ठीक है, याद रख लो फेरस आयन या फेरस के आयन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे कॉपर, ठीक है, तो ऑल दीज आर जिंक, यस जिंक टू पॉजिटिव, सो ऑल दीज आर डायवेलेंट कैटायन विच कैन गिव टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये चीज अगर तुम्हें पता है तो आगे तुम रिएक्शंस सही से लिख पाओगे। मैं अगर सिंपली सीधा स्टार्ट करूं कि बैलेंसिंग ऐसे करते हैं और 10 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं, सो ना वो मेरे बेनिफिट के लिए होगा कुछ ना तुम्हारा, आई वॉन्ट योर बेनिफिट, फाइन, तुम्हें एक्चुअली में रिएक्शन लिखना तो आए तभी उसको बैलेंस करोगे, ओके, तो ये हमारे पास कुछ डायवेलेंट कैटायन है, ओके, देन ऐसे ट्राइवेलेंट लिख सकते हो, ट्राइवेलेंट हो गए मेरे पास एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव, ठीक है, देन I can have iron 3 positive which is called ferric iron, ठीक है, अगर ये तुम्हें नेम याद है तो तुम अपने आप देख सकते हो कि उसमें Fe2 positive है या Fe3 positive है, as I said कि these can have different valencies, ठीक है, तो अगर तुम्हें पता है ये ferrous है तो तुम कह सकते हो ये iron 2 positive है, हाँ, अगर ये फेरिक लिखा होगा नेम में तो देन यू कैन से ये फेरिक है, दैट इज Fe3 पॉजिटिव, ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे अगर मैं कहूं कि अब हम एनायन देखते हैं, कैटायन ठीक है बहुत है, सो एनायन सबसे पहला मोनोवेलेंट एनायन, now mono again one cation means sorry anion means ki jo ek electron le sakta, theek hai, for example if I say chlorine dekho atomic number kitna hai, atomic number 9, so mere paas kya aa jayega chlorine atomic number 9, and if I write the configuration to 2 7 and सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके पास 7 है, then it can have one electron to complete its octet and become stable, और मैं स्टेबिलिटी को हर कोई चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चीज लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल would be Fe negative, fine, and ऐसे ही chlorine negative atomic number 17, ऐसे ही bromine and iodine, ठीक है, इनको हम बोलते क्या है chloride जब negative sign लग जाए, otherwise F is chlorine, F negative is chloride ion, ठीक है, तो it is chloride ion,
ऐसे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ओके। तो नेक्स्ट पे हम लिख सकते हैं OH नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन, यानी मैं इसका हाइड्रोक्साइड आयन ठीक है। ऐसे ही अब हाइड्रोजन की हम बात करें तो मैंने कहा कि यहां पे मैंने हाइड्रोजन पॉजिटिव लिखा, दैट हाइड्रोजन विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, बट भाई स्टेबिलिटी के लिए चाहिए कितने, दो इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसके पास एक है इसे चाहिए भी तो एक, अगर एक इसे मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, पहला शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो ऐसे ही है मेरे पास ये मोनोवेलेंट एनायन ले रहे ठीक है। तो उसके बाद हम क्या है यहाँ पे जो डाइवेलेंट एनायन देखेंगे, डाइवेलेंट एनायन कौन कौन से होते हैं, तो डायवेलेंट एनायन मींस जो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन की किसे जरूरत पड़ेगी, भाई जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 नहीं ना, एटॉमिक नंबर 8 लेंथ इज 6, तो अगर इसकी मैं लिखूं 2 6 एटॉमिक नंबर 8 पहले में दो भर गए फिर 6, तो इसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये आ जाएगा O2 नेगेटिव, देन S2 नेगेटिव सल्फर। ऐसे ही ये तो एलिमेंट्स हो गए, एटम्स हो गए, अगर मैं कहूं SO42 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन ठीक, दिस इज कॉल्ड सल्फेट आयन। ऐसे ही इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, इसका नाम लिख देते हैं ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनके नेम्स से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या चीज है। तो अगर मैं कहूं कि S लिख लेता हूं H2S है, तो इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड अगर मैं कहूं H2SO4, तो इट इज हाइड्रोजन सल्फेट ठीक है, क्लियर है। तो इनका नाम याद रखना है, नाम याद रखने पे ही तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हें पेपर में ये भी आता है कि वर्ड इक्वेशन गिवन होगी एंड देयर से कि इसको इक्वेशन में लिखो, कि उसमें लिखा होगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, उन्होंने तो बता दिया, तुमने अगर वैलेंसी ही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो ये MgO बनाएगा ना कि MgO2 ठीक है। तो अगर ये MgO बनाएगा तभी तुम सही लिखोगे, अगर ये चीज सही होगी तभी तुम्हारी बैलेंसिंग सही होगी ठीक है। तो ये तभी बता रहा हूं दैट दीज आर द यू नो जिसको बोलते हैं कि मेन कोर है उसका, अगर कोर पता होगा या हम बोलते हैं ना जैसे ये जड़ है उसकी, अगर जड़ सही है तो आगे तुम्हारा पेड़ अपने आप सही होगा ठीक है। ऐसे कार्बोनेट CH4 2 नेगेटिव ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये क्या होता है, सॉरी इट इज CH3 2 नेगेटिव ओके। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कार्बोनेट। अच्छा एक और भी अगर इसका मैं देखूं, ध्यान से देखना कि कार्बन कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, या कंफिगरेशन लिखो तो 2 4 एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। ऑक्सीजन कहीं याद ही कर दो, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव आप ही शो किया, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन है तो 6 नेगेटिव हो गया। अगर ये 4
इसने क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, ठीक है, समझ आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ एक ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है, मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, या टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स कि 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1 को 2 चाहिए, 3 को 6 चाहिए होंगे, तो इसके पास तो है 4, इसको नहीं हम छेड़ सकते, इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 4 ही है, तो अगर ये 4 उसको दे भी दे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन अभी और चाहिए, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज 2 नेगेटिव, समझ आई? यहां देखो +4 कार्बन का एंड ऑक्सीजन का -6 हो गया, तो +4 -6 विल गिव मी -2, ठीक है, हेंस ये जो मैंने गलत लिख दिया था CO3 2 नेगेटिव है, समझ आ गई? ठीक, तो ये मेरे पास ट्राइवेलेंट हो गए, ऐसे ही अगर अब ट्राइवेलेंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ अलग अलग चीजें हैं, ऐसे एक नाइट्रेट और नाइट्राइट भी होता है, ठीक, ये भी तुम करके आए हुए हो, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, तो हमारे पास एक यहाँ पे हम नेगेटिव वाले में लिख लेते हैं NO3 नेगेटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो ये सारी चीजें याद रखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाइट्रेट है, ओके, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां मैं सारे इंटरलाइन कर लेता हूँ अलग अलग से, ठीक है, ये नेक्स्ट आ गया, देन ये है हमारे पास एंड ये, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा अच्छे से इसको याद कर लेना है, ओके, अगर ये याद है आगे काम इजी है, बैलेंसिंग हो जाएगी, फाइन, चलो तो अब हम बैलेंसिंग पे आते हैं, अगर ये चीज बैलेंसिंग क्लियर हो गई, हमें पता चल गया कि रिएक्शंस लिखनी कैसे है, तो केमिस्ट्री इजी है, ठीक है, चलो अब अगर मैं कहूं कि हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, वेरी फर्स्ट हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करूं मैं, मेरे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O, ठीक, तो इफ आई सी टू द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड, मींस जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे उतने राइट हैंड साइड पे हैं, देन चेक इट आउट, ऑक्सीजन यहां 2 है, वहां पे 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, नाउ तो मुझे बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, इसको सबसे पहली चीज तुमने समझनी है कि हम यहां पे जो हमारा सबस्क्रिप्ट है उसे चेंज नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहां सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, अगर ये O2 है O2 ही रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता कि इसलिए O ले लो भाई, हो गया बैलेंस, नो, हम सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट चेंज द कोफिशिएंट, एंड इफ नथिंग इज रिटन एज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मींस तो इसके साथ लिखो, है ना, सो इफ नथिंग इज रिटन एज द कोफिशिएंट ऑफ दीस, देन दैट मींस कि यहां पे 1 है, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहां पे तुमने ऐसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनके क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं जो जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, यहां पे भी क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कितने हैं चेक करो, 2, ऑक्सीजन कितने हैं चेक करो, 2, ठीक है, या हाइड्रोजन कितने हैं, 2, दो भी है तो ठीक हो गया, ऑक्सीजन का मतलब ये यहाँ पे सिर्फ 1 है, अगर ये भी यहाँ 2 होते तो हमारी इक्वेशन बैलेंस की 3 के नंबर पे, बट नहीं यहाँ पे 3 ही देखे, बैलेंस करो, सो क्या है मेरे पास यहाँ कि यहाँ 2 थे यहाँ 1 है, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ये तो मेरा बैलेंस हो गया, दैट मींस इसका कोफिशिएंट 1 की जगह 2 कर दूं, तो हमने कैसे काउंट करना है, इसका सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, मतलब 1 into 2 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, बट
इसका इफेक्ट हाइड्रोजन पे भी तो पड़ा, या हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए, या देखो दो पहले थे मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही करना है कोफिशिएंट इनटू द सबस्ट्रेट, तो ये तो चार हो गए, मतलब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन खराब हो गए। अब हाइड्रोजन को भी यहां पे अगर मैं 2 से कर दूं मेरे पास 4 हो जाएंगे, अब सारा कुछ बैलेंस है, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, तो इसका कोफिशिएंट बदल देते हैं भाई, इसका कोफिशिएंट एज इट इज 2 हमने यहां पे जो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने भी 2 कर दिया। नाउ द बैलेंस इक्वेशन इज 2 मोल्स, ये तुम कर चुके हो भाई, दीज आर कॉल्ड मोल्स, 9th में किया मोल कांसेप्ट, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब मैं दो मॉलिक्यूल्स मोल्स को हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास दो मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, ठीक है, दिस इज माय बैलेंस इक्वेशन, क्लियर, सब कुछ सही है, चलो काम खत्म हमारा। ऐसे ही आगे अगर मैं कहूं कि अमोनिया बनाते हैं यूजिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, यार चेक करो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं, साथ साथ में खुद लिखो, ठीक है, साथ ही में प्रैक्टिस करो, साथ ही में सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है, ठीक, तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है भाई 2, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही 2 है, ठीक, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितने है 3, तो सबसे पहले कि अगर मैं इस नाइट्रोजन को यहाँ 2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो हियर इफ आई हैव मल्टीप्लाई नाइट्रोजन बाय 2 तो ऊपर कोफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा, तो ये लो ये 2 कर दिया, बट this 2 has effect on this hydrogen also, ये इसके साथ में multiplied हो गया, then what I'll get into 2, okay, so hydrogen now are 3 into 2, as I said subscript को coefficient से multiply कर दो, 3 into 2 6 hydrogens are there, nitrogen तो balance हो गया, अब hydrogen को balance करना है, यहाँ पे 2 है, इसको अगर मैं 3 कर दूं 3 से मल्टीप्लाई तो इट वुड बी 6, ठीक है, अब चेक कर लो हो गया, दो नाइट्रोजन ठीक है भाई, 6 हाइड्रोजन, सो दिस इज माय बैलेंस इक्वेशन दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ओके दिस इज माय बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद आगे नई चीज सीखेंगे, इफ आई हैव लेट इथेन, ठीक है, दिस इज इथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड एनर्जी भी होती है बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हम बैलेंस करते हैं हीट एंड लाइट को थोड़ी बैलेंस करेंगे, इतने लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास कि काउंट करो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक, इसमें एक नई चीज सीखोगे इसलिए रिएक्शन किया है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो अब गिनो लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने भाई 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, फाइन, ऑन द राइट हैंड साइड कार्बन 1, ऑक्सीजन, अब ये तुम्हारी नई चीज है, देखो यहां दो ऑक्सीजन है, यहां एक है, सो व्हाट आई विल से कि आई हैव 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, तो अगर यहां तक तो सारा जो एक हाइड्रोजन अगर मैं काउंट कर रहा था तो एक ही हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक ही मॉलिक्यूल के साथ था हाइड्रोजन, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स के साथ है, ठीक है, बट मुझे तो टोटल ऑक्सीजन देखनी है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो टोटल हो गई मेरी 3 ऑक्सीजन, ठीक है,
आगे हाइड्रोजन दो है ठीक, तो ये मेरे जो है सारा हमने लिख लिया। इसको सिमेट्रिक करने के लिए थोड़ा चेंज करता हूँ, कि ऑक्सीजन के आगे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 2+1 3 थी और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है हमारे पास 2, ठीक है। चलो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो बैलेंसिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ है मेरे पास 1, तो यहाँ ऑक्सीजन है 2, ठीक। ऐसे ही कार्बन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मैं कार्बन के साथ पहले देखता हूँ, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 2 हो गया, तो मेरे कार्बन बैलेंस हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। बट दिस 2 हैज इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो, राइट, ये इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, +1=3 ऐसा था ना, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2 = 4, 4+1 = 5, ये मेरे पास 5 आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखो, यहां पे 6 है, यहां पे है 2, तो शुड आई मल्टीप्लाई 8 विद 3 टू गेट दिस टू बी 6, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन तो 6 आ गए, बट ऑक्सीजन का भी पंगा पड़ेगा, चेक करो ऑक्सीजन कितने हो गए, +3 हो गए, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 4+3 = 7। अब 7 कैसे करें इसको, यहां राइट हैंड साइड में देखो, यही बैलेंस है मेरा, ये बैलेंस है मेरा, ये 2 है ये 7 है, तो इसको 2/7 कैसे करूं मैं, तो इसके लिए एक मेथड तो यही है, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 7/2 से अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहां आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, दैट मल्टीप्लाई the coefficient with the subscript so to get the total number of oxygens there, so 7/2 × 2 I'll get 7, okay, into 7/2 over 2 मेरे पास 7 ही आएगा। एक method तो ये भी है कि ये भी गलत नहीं है, सही होगा, but if I want the result in the whole numbers, ठीक है, अगर मुझे whole number result चाहिए तो कैसा कर लो, सभी को 2 से multiply कर लो, जब सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेक करो, यहां देखो यहां 2 आ गया, जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कट गया 7, यहां 4 और यहां 6, ठीक। अब चेक करो, अब चेक करो, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट 2 सॉरी कार्बन ऑन द लेफ्ट 2 × 2 = 4, ठीक है, हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट 2 × 6 12, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट 7 × 2 = 14, ठीक है, 4 = 12 और इट इज 7 × 2 = 14, फाइन। नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यहां देखो 4 × 1 दिस इज 4 कार्बन, हाइड्रोजन चेक करो 6 × 2 = 12, so yes it is 12, ऑक्सीजन चेक करो 4 × 8 = 6, मेरे पास आ गया 14, so you can check my elements on the left hand side is equal to the elements on the right hand side, तो हो गया बैलेंस, ठीक है, जहां पे भी प्रॉब्लम आए अब उसको सही कर सकते हैं, अगर मुझे मुझे होल नंबर में चाहिए था तो मैंने क्या किया कि मैंने होल नंबर बनाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ये जो नीचे वाला 2 था वो एलिमिनेट हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन वी हैव, जिसमें यहां मुझे ध्यान जो रखना था, यहां मुझे ध्यान रखना है कि यहां 8 एलिमेंट है तो यहां पे भी 6 एलिमेंट ऑक्सीजन, तो दोनों को प्लस करके मेरे पास टोटल ऑक्सीजन बनेगा, ठीक।
आओ क्लियर है ऐसे ही और प्रैक्टिस करो सो दैट कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है इजीली सारे तुम्हारे जो क्वेरीज हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ एक और थोड़ा करते हैं कि आई हैव कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दैट मींस दिस इज आर ग्लूकोज ठीक है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन विल गिव इट विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ठीक है सेम है बस वहां पे मेरे पास था इथेन यहां पे ग्लूकोज एंड ऑलवेज व्हेन आई बर्न अ हाइड्रोकार्बन बर्निंग इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन देन आई गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली ओके तो ये हम कर चुके हैं रिएक्शन में से तब मैंने कहा था दैट दिस इज योर होमवर्क यू हैव टू बैलेंस इट ठीक है आज मैं कर देता हूं चेक कर लेना अपने साथ में सो क्या है मेरे पास हम वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखते हैं इसमें सो माय लेफ्ट हैंड साइड सेज दैट आई हैव थ्री एलिमेंट्स ओवर हियर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर आई हैव 6 हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर 12 हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर सो इट इज 6 प्लस 2 6 plus 2, 8. Okay, and on the left hand side, one carbon is there. Hydrogen, 2 are there. Oxygen, 2 plus 1, 3 are. Okay, so always try कि जब मेरे पास water हो, ठीक है, या मेरे पास एक odd number of element हो, तो उसको even में कर दो, because हमारे right में even चल रहा है ना. तो जब यहाँ even चल रहा है, इसको भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तुम्हारा इवन आंसर आए जैसे इसमें 6 से किया ठीक चलो अब यहां देखते हैं कि मुझे यहां कार्बन 1 6 है यहां पे कार्बन है 1 इसको 6 से कर लेते हैं ठीक है तो कार्बन का तो काम खत्म हो गया 6 6 हो गए ये दोनों जगह बट दिस अफेक्टेड माय ऑक्सीजन सो 6 * 2 12 प्लस 1 13 ठीक है तो मेरे ऑक्सीजन 13 हो गए अब ऐसे हाइड्रोजन देखते हैं हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट इज 6 राइट पे भी मुझे सॉरी हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट इज 12 राइट पे भी मुझे 12 चाहिए एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 6 6 * 2 12 और मैंने जैसा कहा इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये इवन ही हो रहा है फाइन तो ये मेरे पास 6 * 2 12 and 12 oxygen भी verified हो गया but this affected my oxygen so now the total oxygen I have is 6 into 2 12 plus 6 into 1 6 that is 12 plus 6 18 ठीक है फिर मेरे पास कितने आ गए 18 and यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे तो 18 है अब क्या करूँ तो मुझे पता है 6 तो है ही है मेरे पास 12 और चाहिए तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 * 2 12 12 + 6 18 हो गया बैलेंस टंकना चलो कार्बन से यहां पे भी 6 हाइड्रोजन 12 यहां पे भी 12 ऑक्सीजन 18 यहां भी 18 सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. Fine. So this is the balance equation we have. तो इसमें भी क्या है? ध्यान रखना है कि यहाँ oxygen दो elements में है and एक और जो मैंने key point बताया कि ये odd था है, तो इसको even में करने की try करनी है हमें. ठीक है? चलो next आते हैं. And next type of equation is in which we have a molecule as it is which is in on the left hand side and right hand side both for example if I say I have copper sulfate plus sodium nitrate will give me a tetrahedron jo maine kaha tha complete karo
दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो चेक करो कॉपर की वैलेंसी 2 थी, ये कैसे बना, Cu 2 पॉजिटिव, SO 4 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसकी पैरों में, तो क्या आ जाएगा Cu2 SO4 twice। और जब कॉमन चीज होती है कॉमन हम हटा देते हैं, या 2 और 2 कॉमन है जो है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है वो नहीं आता। तो कॉपर सल्फेट फाइन, ऐसे ही हमने कहा था सोडियम पॉजिटिव है, नाइट्रेट 1 नेगेटिव है, तो दोनों के पैरों में मेरे पास NaNO3 बन जाएगा। फाइन ध्यान कर चुके हैं। नाउ अगर मैं कहूं कॉपर नाइट्रेट बनेगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा, तो देखो जरा कॉपर 2 पॉजिटिव था, नाइट्रेट 1 नेगेटिव था, तो इसके पैरों में, इसके पैरों में, और मेरे पास क्या आ जाएगा कॉपर इसके पैरों में 1 उसके पैरों में 2, तो NO3 ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा Cu NO3 ट्वाइस, इसीलिए ये बताए थे। अगर मुझे पता ही नहीं मैं Cu NO3 लिख दूं काम खत्म, तो काम खत्म ही है वो, ठीक है, तो 0 नंबर ही मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोडियम के साथ सल्फेट रिएक्ट करवाना है। तो सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट हमारा 2 नेगेटिव, तो ये 2 इसके पैरों में आ जाएगा, एंड आई विल गेट Na2SO4, ठीक है। तो ये मेरे पास रिएक्शन बनेगा। अब इसे बैलेंस करना है, तो देखो कॉपर 1 है। नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सल्फर एंड ऑक्सीजन अलग अलग, ठीक है, सेपरेटली, आई कैन राइट SO4 एज अ कंप्लीट एलिमेंट, एज अ कंप्लीट कंपाउंड हियर। क्यों? क्योंकि यहां पे भी SO4 था, यहां पे भी SO4 है, ब्रेक डाउन थोड़ी हुआ, ठीक है। अगर जैसा मॉलिक्यूल हमारा यहां पे था वैसे यहां है, कोई और चेंज ही नहीं हुआ इसमें, ये ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, तो अपनी इजीियर कैलकुलेशन के लिए इसको SO4 लिखते हैं एंड इसको NO3 ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे, कि मुझे S को अलग ना गिनना पड़े, O को अलग ना गिनना पड़े, N को अलग ना गिनना पड़े, और इसकी O को अलग ना गिनना पड़े, ठीक है। राइट साइड पे देखते हैं एक एंजल है भैया। तो कॉपर सल्फेट नाइट्रेट सोडियम, अब चेक करो कॉपर 1 था, सल्फेट 1 था, नाइट्रेट 1 था, सोडियम 1 था, ठीक है, 1 था सोडियम। सो कॉपर यहाँ पे 1 है, नाइट्रेट भी 2 हो गए, सल्फेट 1 है, सोडियम 2 हो गए, ठीक। तो अब इन दोनों के साथ में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके मेरा कुछ बैलेंस होगा। मतलब अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो सोडियम भी 2 हो गए, नाइट्रेट भी 2 हो गए, तो मेरी बैलेंस हो गई, ठीक। तो दिस इज माय बैलेंस इक्वेशन, दैट कॉपर सल्फेट 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट टू गिव 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बैलेंस इक्वेशन है, और ये हमने एक नई चीज सीखी कि हम इनको एज इट इज ही काउंट कर लें, तो हमारी जो इक्वेशन है वो एक ज्यादा इजीियर इजीली बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और रिएक्शन इसमें देखूं, सो HNO3 फाइन रिएक्ट्स विद कॉपर नाइट्रेट टू गिव, एक सेकेंड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट नाइट्रेट दोनों हो गए ना, ये OH twice टू गिव। अब चेक करो, देखो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट है इसमें भी, कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है, तो दोनों के पैरों में आके HNO3 बन गया, ठीक। इसके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, OH 1 नेगेटिव है, तो ये 2 उसके पैरों में जाएगा, तो कॉपर CuOH ट्वाइस बनेगा। तो अगर मैं इसकी वर्ड इक्वेशन दे देता दैट हाइड्रोजन या नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉपर हाइड्रोक्साइड टू गिव
कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर। तो अगर तुम्हें ये चीजें पता है कि यहाँ पे OH twice आना है तभी तुम्हारा सही होगा। अगर तुम यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं सबको आदत है NaOH लिखने की, ठीक है, वो NaOH की जगह CuOH भी लिख देते हैं, बट यहाँ CuOH नहीं है, CuOH twice है। तो हम यहाँ पे CuOH twice लिखेंगे। अब भाई इनकी अदला बदली करेंगे, ठीक है, हम इसको समझेंगे कि ये आगे है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये OH हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा, NO3 कॉपर के साथ। तो जब OH यहां आ जाएगा और NO3 यहां आ जाएगा, शिफ्ट कर दिए मैंने, ठीक है, तो इन दोनों के पैरों में एक एक, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, मतलब H2O प्लस Cu। अब उसके पैरों में 2 चला जाएगा, Cu NO3 twice, ठीक है। तो ये मेरे पास बैलेंस, ये मेरे पास इक्वेशन बनी, अब इसे बैलेंस करना है। तो अब यहां पे भी देखो, नाइट्रेट को एज इट इज वन एलिमेंट ले सकता हूं मैं, वन मॉलिक्यूल, OH को एज इट इज लिख सकता हूं, ठीक है। सो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे ही लिख रहा हूं, वैसे सिर्फ बैलेंस करने के बाद इसको सही कर देना, H2O लिख लेना, फाइन। तो मेरे पास क्या है यहां पे, एक H है, एक OH है, नहीं भाई दो है, ठीक है। फिर नाइट्रेट मेरे पास एक है, कॉपर एक, ठीक है, वन हाइड्रोजन वन नाइट्रेट वन कॉपर एंड टू OH आयंस। यहां पे देखो हाइड्रोजन वन है, हाइड्रोक्सिल वन है, कॉपर वन है, नाइट्रेट टू है, ठीक है। तो यहां पे क्या करूं मैं, अगर अगर मुझे पहले इसको टू बनाना है, इसको टू बनाने के लिए यहाँ टू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हो गया है मेरा ये टू हो गया, ठीक। इसको टू बनाने के चक्कर में ये बेचारा भी फंस गया, ये भी टू हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक था, इसको भी टू बनाना पड़ेगा, ठीक। इसको टू बनाने के चक्कर में ये भी फंस गया, ये भी टू हो गया, ठीक। तो चेक करो मेरा जो रिएक्शन आ रहा है ये सही है या नहीं। हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, और हाइड्रोक्सिल दो है, हाइड्रोक्सिल दो है, नाइट्रेट दो है, नाइट्रेट दो है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, बैलेंस होगी। दैट मींस 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड टू गिव 2 मोल्स ऑफ, अब इसको सही कर लेते हैं, वाटर प्लस 1 मोल ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक आई थिंक 10 टू 15 मिनट्स की वीडियो होगी, उसमें एक और ट्रिक बताऊंगा बैलेंसिंग की, ठीक है, कि हम अगर बहुत कम होते हैं भाई रेट एंड ट्रायल हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो देन दे कैन यूज द मैथमेटिक्स हिट एंड ट्रायल, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, की लगा लगा के देखे जाओ, अगर बैलेंस हो गई, जब तक बैलेंस नहीं हो रही लगा ही जाओ, 2 कर लो 3 कर लो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बट दैट इज अ शॉर्ट शॉर्ट मेथड जिसमें तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा। अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन में कंफ्यूजन हो गया कि यार ये नहीं होगा मेरे से, ये हो ही नहीं रहा, इसको 2 कर रहा हूँ वो खराब हो रहा है, उसको 4 कर रहा हूँ ये खराब हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं नाइट्रेट को चेंज कर रहा हूँ हाइड्रोजन खराब हो रहा है, हाइड्रोजन को खराब करके यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन फर्क पड़ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो एक शॉर्ट शॉर्ट मेथड है, ठीक है, जिससे तुम्हारा अगर कहीं पे फंस जाओ तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ओके, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, फाइन, थैंक यू।